अस्सलाम वालेकुम। आज हम मीठी टिकिया बनाने जा रहे हैं और उसके लिए हमने ये सब सामान लिया है। हमने ये एक कटोरा भर के बड़ा प्याला है ये बाउल, और आटा लिया ये जो घर में यूज होता है रोटी के लिए, और ये पौन प्याला हमने रवा लिया है सूजी, और ये हमने एक कटोरी तेल की जितनी कटोरी भर के हमने चीनी ली थी, ये हमने पीस लिए, महीन पाउडर बना लिए, और ये थोड़े से तिल लिए हमने। ये कटोरी थोड़े से डालेंगे हम, उसके ऊपर से लगाएंगे बिस्किट के। ये एक कटोरी हमने नारियल लिया सूखा हुआ, ये भी इसमें डालेंगे। एक छोटी कटोरी हमने साबुत ऐसी चीनी, ये भी डालेंगे। ये इसमें दाने क्रंची क्रंची से मुंह में आएंगे तो ये अच्छे लगेंगे और चमकते हुए ये भी अच्छे लगेंगे, इसीलिए ये साबुत डालेंगे। और एक गिलास दूध लिया हमने, कच्चा पका हुआ दूध है ये ठंडा, ये भी लिए। देखिए आटा डाल देते हैं, इसी में रवा डाल देंगे। रवा कोई सा भी ले सकते हैं, अगर चाहे मोटा रवा हो तो आप मिक्सी में पीस सकते हैं उसे, एक दफा महीन हो जाएगा। इसी के साथ साथ ये बूरा भी मिला देंगे इसमें। आपके पास अगर चाहिए बूरा ना हो, ये हमारा बाजार का ही है सूखा नारियल जो आता है, और अगर चाहे आपके पास नहीं हो तो आप घर में नारियल सभी के ही होते हैं रखे हुए, उनको कद्दूकस करके वो डाल सकती हैं। चीनी भी ऐसे डालेंगे हम साबुत। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़े से तिल डालेंगे इसके अंदर, थोड़े ऊपर से लगाएंगे, थोड़े से अंदर डालेंगे, गरम होते हैं थोड़े कम ही डालें, ये गरम होते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसका पूरी जैसे पूरी का आटा गूंदते हैं उससे हार्ड आटा गूंदेगा थोड़ा। ये देखिए सब मिक्स हो गया, इसी के साथ साथ हम ये भी मिक्स कर लेंगे बूरा भी, जो हमने ये चीनी का पीसा है। आपके पास बूरा हो तो आप बूरा डाल सकते हैं। ये हमने दो कटोरी आटा लिया था, एक कटोरी हमने रवा लिया था, उसी के साथ साथ ही ये एक कटोरी चीनी ली थी हमने, तो उसका बूरा बना लिया ये मिक्सी ग्राइंडर में पीस के। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए हमने सब मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डालडा ऑयल भी डालेंगे, आपकी मर्जी है, अगर चाहे आप देसी घी डालना चाहें या घी डालना चाहें या ऑयल डालना चाहें, जो आपके पास अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। मेरे पास ये डालडा ऑयल था, हम यही डालेंगे, खस्ता बनेंगी और अच्छी। इससे पहले अच्छे से खूब मिक्स कर लेते हैं ऐसे कर करके। काफी दिन तक चल जाती है ये खूब अच्छे से हमें मिक्स करना है इसे सारा। आराम से आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों हाथों से ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल देख सकते हैं बिल्कुल। सब मिक्स कर लिया, देख सकते हैं आप इसकी, ये देख सकते हैं मुट्ठी सी बन रही है, ये देखिए। ऐसे बनने से ये खस्ता सी एक पूरी बनेंगी, मीठी टिकिए जिन्हें बोलते हैं। साथ साथ हम ये थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे गूंदेंगे, थोड़ा नरम ही गूंदेगा ये पूरी से, थोड़ा सख्त होगा क्योंकि इसमें रवा मिला हुआ है, रवा पानी पीता है। ये देखिए हमने पूरा गिलास दूध डाल दिया, एक गिलास पूरा डाल दिया, इसे ऐसे गूंदते हैं फिर दिखाते हैं आपको। इसमें और कुछ नहीं जाएगा, बस इसे सब इकट्ठा करना है, देख सकते हैं ये इतना हार्ड है, ज्यादा हार्ड भी ना गूंदे क्योंकि इसे हम 5 से 6 मिनट रखेंगे ऐसे ढक के छोड़ेंगे तो ये और फूलेगा। अब देख सकते हैं ये मीठे के मारे वैसे भी चुपकता है, इसमें मीठा ज्यादा होता है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं मीठा कम या ज्यादा।
जैसा आपकी मर्जी। हम थोड़ा सा ऊपर से और ये डाल देते हैं और थोड़े से ऊपर टिकिया बनाते समय डालेंगे तेल, सफेद तेल। आप कोई से भी ले सकते हैं, ब्लैक वाले ले सकते हैं, कत्थई वाले या ये व्हाइट वाले। हमारे पास व्हाइट थे तो हमने व्हाइट ही लगा दिए। देखिए 5 मिनट रख के नहीं, हम इसे ढक के छोड़ते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए आटा गूंदे हुए हमारे 5 से 6 मिनट हो गए, देख सकते हैं बिल्कुल नरम हो गया ही फूल के। अब इसमें रवा भी था तो इसकी वजह से ये बिल्कुल सेट हो गया। ये देखिए, और हमने ये कटर लिए, आपके पास जो भी अवेलेबल हो उससे काट सकते हैं। कटर ना हो तो आप कोई कटोरी या छोटी गिलास या कोई ढक्कन हो आपके पास साइज का तो आप वो ले सकते हैं। हमारे पास ये थे तो इसलिए हमने ये ले लिए कटर। दिखाते हैं आपको, बड़ा सा थोड़ा पेड़ा तोड़ लेते हैं। देखिए इसमें चीनी होती है इसलिए थोड़ा चिपकता है। देखिए हमने थोड़े से तिल फैला लिए नीचे, थोड़े से हम ऊपर डालेंगे। हाथ से ही बढ़ा लें या बेलन से बढ़ा लें, आपके जैसे इच्छा हो आप वैसे बढ़ा सकते हैं। जरा सा आटा डालेंगे हम, बिस्कुट की तरह मोटा बेलना है इसे, जैसे बिस्कुट होते हैं मोटे थोड़े। ये देखिए हमने इतना मोटा बेला है, इससे ज्यादा पतला ना करें नहीं तो वो बहुत सख्त हो जाएंगी। करा दी थोड़ी उसी मोटी अच्छी लगती है, कटर से काट लेते हैं। देखिए हमने कटर से काट दिया। इसे भी आप काट सकते हैं जो आपके पास हो। तेल हमने गरम करने रख दिया, डालडा ऑयल लिया हमने, आपकी मर्जी है। आप घी लेना चाहे तो घी ले सकते हैं। ये देखिए पास गोल भी है, गोल भी ले लेते हैं, 2-3 तरह के हो जाएंगे। ये देखिए सब तरह के काट लिए, ये ऐसे हम निकाल लेंगे। ये फालतू का जो है एक्स्ट्रा ये सब निकाल लेते हैं, इसे दोबारा फिर बना के फिर काट लेंगे। ये देखिए हमने ये सब तरह के शेप में काट लिया, देख सकते हैं। अब हम ऐसे सब उठा उठा के फ्राई करते हैं ना, थोड़ी मीडियम आंच पे ही फ्राई होंगे, हल्के आंच पे गोल्डन सुनहरी, और अंदर तक पकेंगे। तेज आंच पे करेंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे, इसलिए
से थोड़े गोल्डन फ्राई करने हैं हल्की आंच पे, दिखाते हैं आपको। देखिए तेल गर्म हो गया हमारा, धीरे धीरे डाल देना है। थोड़ी आंच सिलोई रखें, नहीं तो ये सारे ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसीलिए। और अगर अच्छा आपके पास कटर ना हो, कोई चीज काटने की नहीं हो, तो आप हाथ से भी छोटी छोटी पूरी की तरह बना के तल सकती हैं। ये देखिए सब ऊपर आ गई हैं। ये देखिए हमने मीडियम आंच पे इसे सेक लिया करारा से, हमने ये सेक के रखी है और अभी सेक रहे हैं, फिर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये गोल्डन बिल्कुल हो गई है, देखिए इतने खूबसूरत लग रही हैं। आप देख सकते हैं ये देखने में भी, और ये चाय के साथ आप ले सकते हैं स्नैक की जगह पे, जैसे स्नैक होते हैं वैसे ले सकते हैं आप शाम की चाय के साथ। ये कोई मेहमान आया आप उनके आगे भी रख सकते हैं आराम से, बहुत पसंद करेंगे सब, और बच्चे भी पसंद करेंगे। उसका हमने कटिंग करी है स्टार की, फ्लावर की, और गोल भी, आपकी जैसी मर्जी वैसी कटिंग कर सकते हैं। देखिए दिखाते हैं आपको, हमारी मीठी मटरी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं जो हमने चीनी डाली थी सारी ये कैरमलाइज हो गई है सारी, आप देख सकते हैं सब। और अगर आप इससे मीठा खाना चाहें तो आप मीठा अपने पसंद से कर सकते हैं कम या ज्यादा। हमें थोड़ा लाइट ही चाहिए इसलिए हमने थोड़ी लाइट ही बनाई है, क्योंकि आजकल सबको मीठे से दिक्कत होती है खाने से, इसीलिए लाइटली सही रहती है हल्का मीठा। आप अपने मर्जी से कर सकते हैं मीठा कम या ज़्यादा, लेकिन ये बहुत ही मज़े की और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। आप हमारे तरीके से ज़रूर बना के देखिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ।